नाउ क्लास, हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है केमिकल एवोल्यूशन, और यही हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है। तो केमिकल एवोल्यूशन को दिया था दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है JPS हॉल्डेन एंड AI ओपारन। इन दोनों ने ही बोला था कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है नॉन लिविंग थिंग्स से, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से, जैसे कि प्रोटीन एंड RNA से। अर्ली अर्थ पे उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हुआ करता था। मोर ओवर अर्ली अर्थ पे वॉल्केनिक स्टॉर्म्स हुआ करते थे, और जो अर्थ का रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था उसमें गैसेस जैसे कि अमोनिया और मीथेन हुआ करती थी। उसके बाद एक साइंटिस्ट जिनका नाम था स्टैनली लॉयड मिलर, यानी SL मिलर, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1953 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक ग्लास का अपैरेटस लिया था, और इस अपैरेटस में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को क्रिएट किया था, और गैसेस जैसे कि अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और वाटर को भी लिया था एट 800 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद उन्होंने पाया कि अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ है। सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स दूसरे साइंटिस्ट ने भी कंडक्ट किए थे, लेकिन उन्होंने अमीनो एसिड्स की जगह पाए कि शुगर, पिगमेंट, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फैट्स का फॉर्मेशन हुआ था। कुछ साइंटिस्ट ने मीटोराइड को भी एनालाइज किया और पाया कि सिमिलर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि शुगर्स, पिगमेंट, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फैट्स। तो इससे ये कंक्लूड किया गया कि सिमिलर प्रोसेस जो है यूनिवर्स के दूसरे पार्ट्स में भी हो रहे हैं। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स हैं वो कहाँ से और कैसे ओरिजिनेट हुए थे। उसके बाद ये माना गया कि जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स थे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया और इकोलाई। और ये जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स थे ये ओरिजिनेट हुए थे 2000 मिलियन ईयर्स अगो। तो क्लास, एज आई सेड, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे जो कि ओरिजिनेट हुए थे वाटर में। उसके बाद ये माना गया कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो वाटर से ही ओरिजिनेट हुई थी। नाउ क्लास, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन ये कहती है कि जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स हैं वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से ओरिजिनेट हुए हैं, जैसे कि RNA और प्रोटीन से, और इस थ्योरी को वाइडली एक्सेप्ट भी किया गया था।